आमतौर पर थानों पर पीड़ित लड़ाई झगड़े के मामले लेकर, आपसी विवाद को लेकर, कई बार किराएदार और मकान मालिक के विवाद लेकर, कई बार पैसों के लेन देन के मामले को लेकर, कई बार जमीनी विवाद को लेकर, कई बार जमीनी फॉर्जरी की बात को लेकर थानों पर आते हैं, रिपोर्ट देते हैं, जिनमें प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जैसी भी कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई बनती है उसके अनुसार उनकी कार्रवाई की जा रही है। कोशिश ये की जाती है कि जो छोटी छोटे झगड़े हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें त्वरित कार्रवाई करके और हम कवर कर सकते हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से दोनों ही पक्षों को बुलवाया जाकर और उनका समाधान करवाने की कोशिश की जाती है। जन सुनवाई के लिए 12 से 1 का समय श्रीमान कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार निर्धारित है। जन सुनवाई के लिए महिलाओं के लिए एक अलग हिस्सा हमने यहाँ बना रखा है, महिला अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। महिलाएं जो अगर आती हैं, इस तरीके की कोई भी शिकायत देती हैं, तो उनकी सुनवाई करने के लिए एक अलग रूम हमने बनवा रखा है इस चीज़ के लिए। बाकी हमारा पुरुष स्टाफ है। थाने की जो अन्य जाप्ता है, वो जो भी कोई परिवाद थाने पर आता है, उस परिवाद के निस्तारण के लिए जितना जल्दी जाके जो काम किया जा सकता है, वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रार्थियों के लिए बैठने के लिए क्या क्या सुविधाएं आपने कर रखी? हमारे पास में एक तो स्वागत कक्ष बना हुआ है, स्वागत कक्ष के अंदर हमने बैठने की व्यवस्था कर रखी है। ड्यूटी ऑफिसर्स के पास में और अहाते के अंदर वो उनके बैठने की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति अगर थाने पे आता है तो पीने के पानी की व्यवस्था उनके लिए कर रखी है और उनकी समुचित सुनवाई करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था बना रखी है। देखिए, अभी हाल ही में हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रत्येक थानों में 12 से 1 बजे तक और सायंकाल 4 से 5 बजे तक स्वयं SHO जनता को, जो भी पीड़ित है, उसकी जनसुनवाई करेगा। उसी के तहत हम 12 से 1 और 4 से 5 तो हर सूरत में जनसुनवाई करते ही है, उसके अलावा भी थाने में आने वाले हर परिवादी को सुनते हैं। थाने में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ज़्यादा यहाँ हमारे थाना क्षेत्र में विवाद है, जैसे बाइक चोरी की है, दूसरा कोई पैसे नहीं देने का विवाद है, कोई पीजी, चूंकि ज़्यादा हमारे यहाँ पीजीज हैं SFS पे यहाँ, तो उनमें पीजीज में कोई पैसा नहीं देने की, आस पड़ोसियों की कोई सीम की, इस तरीके की छोटी छोटी वारदातें ज़्यादा आती है, जिनको हम तुरंत ही मौके पे दोनों पक्षों को मिला करके और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और कोई ऐसी बड़ी समस्या, इधर कोई मारपीट की ऐसी कुछ होती है, तो उसका प्रकरण दर्ज करके और त्वरित हम उसको न्याय देते हैं। परिवादियों के लिए क्या सुविधाएं आपने दे रखी है? परिवादी के लिए हमने यहाँ बहुत अच्छे से स्वागत कक्ष मेंटेन कर रखा। स्वागत कक्ष में हमने सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह डाल रखी है। वहाँ अच्छा पानी की व्यवस्था है, हर एक परिवादी को और पीड़ित को तुरंत प्रभाव से हम पानी की, चाय की भी व्यवस्था करते हैं। दूसरा, उनकी जो भी कुछ समस्याएँ तुरंत हमारे जो स्वागत कक्ष का अधिकारी है वो सुनता है। सर्वप्रथम वो सुन करके तुरंत ही जैसी भी वो समस्या के बारे में मन मुझे बताता है, संबंधित DO को बताता है और उस पर तत्काल हम उस पर एक्शन लेते हैं।